हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों हम पढ़ रहे थे क्लास 11 का मैथमेटिक्स फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर था एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, और उसका एक्सरसाइज 1.1 हमने शुरू किया था और उसके कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम उसके आगे वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री मिनट एंड सेकंड। ठीक है, तो जो डिग्री वाला एंगल हमें दिया रहेगा इसको हमें इसमें लिखना है, डिग्री मिनट एंड सेकंड में लिखना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डिग्री मिनट और सेकंड में रिलेशन क्या है। हमें ऑलरेडी मालूम है कि एंगल हम डिग्री में मेजर करते हैं। ठीक है, तो डिग्री से भी एक छोटा यूनिट होता है एंगल का, जिसका नाम है मिनट, और मिनट से भी छोटा यूनिट होगा एक, उसका नाम होगा सेकंड। रिलेशन बहुत सिंपल है, आप यहां पे समझ लो। एक डिग्री जो होता है इज इक्वल टू 60 मिनट्स। एक डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है, और डिग्री का नोटेशन ऐसा है तो मिनट का नोटेशन होता है ऐसा। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट इज इक्वल टू 60 मिनट ऐसा लिखा जाता है, और फिर से 1 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 60 सेकंड हो जाता है, और उसको लिखते हैं 60 सेकंड। सेकंड के लिए डबल कोटेशन डाल देना, जो है 60 सेकंड जो है सेकंड के लिए डबल कोटेशन डाल देना। ठीक है, तो आपका एक डिग्री क्या हो जाएगा अगर सेकंड में लिखने जाएंगे तो 60 मिनट और उसमें और कितने सेकंड, 60 सेकंड, तो आप लिख सकते हो 3600 सेकंड। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये हमें डिग्री में दिया है, कहीं कहीं पे रेडियन में दिया है, ये वाला रेडियन में दिया है, तो इसको पहले डिग्री में करेंगे और डिग्री में करने के बाद इसको हम मिनट और सेकंड में लिखेंगे। तो इसको वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फर्स्ट सॉल्व करते हैं। स्टेप्स हर किसी के लिए सेम ही रहेगा। देखो ये है हमारा एंगल 183.7 डिग्री, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 183 प्लस 0.7 डिग्री। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट वाले को हम सेपरेट लिख लेंगे। अभी सेपरेट क्यों लिख लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 183 डिग्री कंप्लीट है और उसमें कितना डिग्री और ऐड है, 0.7 डिग्री और ऐड है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 183 डिग्री पूरा है प्लस 0.7 डिग्री है। अभी जो 0.7 डिग्री जो है वो छोटा है, एक से छोटा हो गया, तो एक से जो छोटा मिलता है ना डिग्री में, उसको हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। और मिनट में कैसे कन्वर्ट होगा, तो ऐसे कन्वर्ट होगा, ये 183 डिग्री कंप्लीट, इसको मैं क्या करता हूँ 0.7 × 60 कर देता हूँ, और अभी क्या लिखूंगा, मिनट लिखूंगा। ठीक है, एक डिग्री इज इक्वल टू कितना, 60 मिनट। ठीक है, तो 0.7 डिग्री इज इक्वल टू कितना करेंगे, 0.7 × 60 मिनट, इस तरह से जाएगा। सॉरी, तो इसको मैं लिखता हूं 183 डिग्री प्लस, ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 पॉइंट और ये 0 कट हो जाएगा, 7 × 6 कितना जाएगा, 42 मिनट। बस आगे कुछ हमको पॉइंट वाला मिला नहीं। ठीक है, तो ये यही पे खत्म हो जाता है, इसको मैं क्या लिख दू, 183 डिग्री और 42 मिनट, यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो मैं नीचे लिख देता हूँ 183.7 डिग्री इज इक्वल टू 183 डिग्री और 42 मिनट, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह से हम करेंगे सेकंड वाले को। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें, इसको मैं लिख दू 245 प्लस 0.33 डिग्री। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे पता चल गया कि 245 डिग्री कंप्लीट है और ये जो है बाकी 0.33 डिग्री। ये 0.33 को हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे, और क्या हो जाएगा देखना, 245 डिग्री प्लस, इसको मिनट में कन्वर्ट करना हो तो इंटू 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट लिख देंगे। अभी इसको करते हैं 33 × 6 करो 198। ठीक है, और उसमें पॉइंट एडजस्ट करेंगे, 245 डिग्री प्लस कितना आएगा, एक, तो एक जीरो लगा दिया और एक दो और एक दो, ये हो जाएगा 19.80 आपका क्या हो जाएगा, मिनट बन जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, मिनट फिर से आपको किसमें मिल गया, पॉइंट में मिल गया, तो पॉइंट मिला है तो इसको वापस क्या करना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा। अभी इसको कैसे फोड़ेंगे, देखिए 245 डिग्री प्लस ये 19 मिनट कंप्लीट है और कितना मिनट बाकी है, 0.8 मिनट बाकी है, तो
तो हम क्या करेंगे, प्लस 0.80 मिनट लिखेंगे। अब ये 0.80 मिनट अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको हम किस में करते हैं, सेकंड में करते हैं। सेकंड में कैसे होगा, इसको बाकी की वजह से लिखता हूँ, प्लस 19 मिनट प्लस इसको क्या करेंगे 0.80 इंटू 60 सेकंड कर देंगे। ठीक है, तो 60 सेकंड करते ही क्या हो जाएगा, एक जीरो इधर का पॉइंट इधर लेके आएगा तो 8 हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट फाइनल आंसर, 245 डिग्री कंप्लीट, 19 मिनट भी कंप्लीट, और इनका क्या हो जाएगा 48 सेकंड हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा हमारा इसका फाइनल आंसर। इस पॉइंट वाले डिग्री को हमने मिनट और सेकंड डिग्री में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, जैसे जैसे पॉइंट में मिलता जाएगा उसको हम 60-60 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और अगला छोटा सा यूनिट लिखते जाएंगे। डिग्री बढ़ा, उसके बाद में मिनट और उसके बाद में सेकंड। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी है लास्ट वाला देखते हैं, ये रेडियन में दिया है। ठीक है, तो आपको डिग्री और रेडियन में का रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। वो रिलेशन है 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 57.32 डिग्री। ये रिलेशन आपको अगर आ गया मालूम होगा तो ये आप एग्जाम्पल आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो अभी देखिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर 1/5 रेडियन क्या हो जाएगा, इसको भी 5 से डिवाइड कर दो, फिर 5 डिग्री। और इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 5 × 5 7 को नीचे लेके आए, 5 × 5 बचे 2 पॉइंट, यहां से 2 बचा था, 2 और 3 नीचे लेके आए तो 5 × 20 वापस 3 बचेगा, 3 बचा और आगे 2 लेके आए तो क्या हो जाएगा 32, 5 6 30 2 बचा, 5 4 क्या हो गया आपका 20। तो ये हमें मिल गया किसमें, डिग्री में। ये हमें किसमें मिल गया, डिग्री। अभी इस डिग्री को हम क्या करेंगे, इस डिग्री को हम डिग्री मिनट और रेडियन में लिखेंगे। तो चलिए इसको फोड़ते हैं, इसको कैसे फोड़ेंगे, 11 डिग्री कंप्लीट है प्लस 0.464 डिग्री है। तो ये 0.464 डिग्री को हम क्या करेंगे, मिनट में करेंगे। तो मिनट में कैसे हो जाएगा, 11 डिग्री प्लस 0.464 इंटू 60 मिनट। ये 464 इंटू 60 करते हैं तो 464 इंटू 60 कितना हो जाएगा, यहाँ पे बाद में करता हूँ, 4 4 और 3 27। तो पॉइंट एडजस्ट करने के टाइम कैसे करेंगे, 1 2 3 1 2 3 27.84। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 11 डिग्री प्लस 27.84 मिनट। अभी ये जो मिनट मिला, ये मिनट हमें वापस किस में मिला, पॉइंट में मिला। तो मिनट पॉइंट में मिला तो वापस उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड में मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 11 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस ये क्या होगा 0.84 मिनट होगा। एक स्टेप में कम कर देता हूँ और इसको वापस में किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 60 से, और यहाँ पे लिख देंगे सेकंड। तो अभी क्या करते हैं, 84 × 60 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 11 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस इनका मल्टीप्लीकेशन 0 का 0 हो जाएगा, ये 6 4 24 2 6 8 48 2 50। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा और पॉइंट देंगे 1 2 1 2। तो ये बताता हूं मैं 11 डिग्री 27 मिनट और आगे क्या लिख दूंगा मैं, 50 सेकंड। ठीक है, ये सेकंड में किसी किसी का आंसर अलग आ सकता है, 33 सेकंड आ सकता है, 40 सेकंड आ सकता है। आप रेडियन की वैल्यू कहां तक लेते हो, आप रेडियन की वैल्यू कहां तक लेते हो उस पे डिपेंड है। ठीक है, मेरा 50 आया है, किसी का 33 आ सकता है, किसी का 40 आ सकता है। तो दोस्तों स्टेप्स हर एग्जांपल में सेम है, हमें क्या करना है, पॉइंट वाइज लिखते जाना है। कंप्लीट जो है पहला डिग्री हो जाएगा, जो बचेगा उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, जो 0.7 बचेगा उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे वहां पे ही हो गया था, यहाँ पे हमें क्या मिला था, 19.80 मिनट मिला था। जो मिनट मिला था वो फिर से पॉइंट्स में मिला था, तो पॉइंट को हम वापस किस में कन्वर्ट कर देते हैं, 0.80 जो मिलेगा उसको 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड कर देंगे। तो सेकंड तक ही हमें है, लास्ट यूनिट हमारा सेकंड है। अगर सेकंड भी हमें अगर पॉइंट्स में मिलता है तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अभी लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं पढ़ता हूँ आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी मैं लिखता हूँ, इन ट्राइंगल एबीसी उन्होंने देखे रखा है, मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू
7π/36 रेडियन आगे देखे रखा है. मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री. मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री. और आगे है फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी इन डिग्री एंड रेडियन. हमें ढूंढना है मेजर ऑफ एंगल सी इन डिग्री एंड और है हमारे पास रेडियन. ठीक है, ये हमें ढूंढना है. तो दोस्तों इसको आसानी से हम ढूंढ सकते हैं. पहले तो हम क्या करते हैं, दोनों जो एंगल की मेजर दी है ना उसको एक ही मेजर में लेके आते हैं. मतलब दोनों को एक तो डिग्री में लिखते हैं या फिर रेडियन में लिखते हैं. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 120 डिग्री दिया है, मैं इसको भी क्या कर लेता हूँ, डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूँ. तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 7π/36 इंटू 180/π डिग्री. ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, फिर पाई पाई कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, 18 से 2 और 18 10 का. ठीक है, 18 से डिवाइड कर दिया तो क्या बच जाएगा, 7 × 10/ ये नीचे बचता है 2. तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 डिग्री. ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 35 डिग्री. वी नो, हमें मालूम है इन ट्राइंगल क्या एबीसी, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि तीनों एंगल्स की सम क्या होती है, 180 होती है. तो हम वो लिखते हैं, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. जो जो मालूम है वो लिख देते हैं, ये है 120 डिग्री, ये है 35 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर ये दोनों की सम करो कितनी हो जाएगी, 155 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो मेजर ऑफ एंगल सी क्या हो जाएगा, 180 - 155. इसको सॉल्व करो, मेजर ऑफ एंगल सी आपको डिग्री में मिल जाएगा, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 5 गए 2, कितना मिल गया आपको, 25 डिग्री. ठीक है, तो ये 25 डिग्री आपका मेजर ऑफ एंगल सी हो गया, लेकिन वो किस में मिला है, डिग्री में. मैं इसको याद कर रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ. कैसे कन्वर्ट करेंगे, 25 × आपका हो जाएगा π/180 रेडियन. ये क्या आपका मेजर ऑफ एंगल सी है. तो देखते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 5 का, और यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15, बचेगा कितना, 3, और 5 6 5 6 30. तो ये हो गया रेडियन. तो मेजर ऑफ एंगल सी हमें क्या मिला, मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 25 डिग्री इज इक्वल टू 5π/36 रेडियन. तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये एग्जांपल भी आपको समझ में आ गया होगा. अभी लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं. आपके स्क्रीन पे है, टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 5. चलो एक ट्रायंगल मान लेते हैं, हम मान लेते हैं वापस फिर से इन ट्रायंगल एबीसी. दो एंगल्स हमें दिए हुए हैं, एक है 5π/9 रेडियन, मेजर ऑफ एंगल ए मान लेते हैं 5π/9 रेडियन. ठीक है, दूसरा एंगल दिया है उसको बी मान लेते हैं, वो दिया है 5π/18 रेडियन. ठीक है, फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ थर्ड एंगल. सेम है पिछले एग्जांपल के जैसा ही है. क्या करेंगे हम, मेजर ऑफ एंगल सी निकालेंगे इन रेडियन एंड डिग्री क्या हो जाएगा. तो चलिए इसको भी हम सेम तरीके से सॉल्व करेंगे. ठीक है, कैसे सॉल्व होगा है, वी नो लिखते हैं हम इन ट्राइंगल एबीसी. अभी देखो क्या है, दोनों जो एंगल हमें देखे रखे हैं ना वो रेडियन में देखे रखे हैं. ठीक है, रेडियन में देखे रखे हैं, तो हम ऐसा लिखेंगे कि तीन एंगल की जो सम होती है ट्राइंगल की वो 180 डिग्री होती है, और 180 डिग्री मतलब कितना होता है, पाई रेडियन. तो यहाँ पे जो हम सम लिखने वाले हैं वो रेडियन में लिखेंगे. ठीक है, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. अभी नीचे लिखता हूं, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू पाई रेडियन. 180 डिग्री मतलब कितना रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है. अगर इसको कन्वर्ट करना है तो 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 × π/180 रेडियन इज इक्वल टू कितना रेडियन, इज इक्वल टू पाई रेडियन. ठीक है, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन. और पाई में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों हमें रेडियन रेडियन में देके रखे हैं इसलिए.
तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 5π/9 प्लस 5π/18 प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू पाई। अभी हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 18। इसको 18 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो ऊपर भी करना पड़ेगा 10π, ये 5π/18 प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू पाई। इसका हो जाएगा 15π/18, देयरफॉर 15π/18 प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू पाई। यहाँ पे डिवीजन होगा, डिवीजन होने से क्या हो जाएगा 6 या फिर 3 से देते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5π/6, ठीक है 3 5 15, 3 6 18 प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू पाई। तो मेजर ऑफ एंगल सी हो जाएगा पाई माइनस 5π/6। इसको सॉल्व करो, 6 × π 6π - 5π बचेगा पाई और अपॉन 6 रेडियन। तो मेजर ऑफ एंगल सी मिल गया पाई बाय 6 रेडियन, और अभी इस रेडियन को हम कन्वर्ट कर देते हैं डिग्री में, कैसा होगा इज इक्वल टू पाई बाय 6 × 180/π। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा, आंसर होगा हमारा 30 डिग्री, ठीक है। पाई पाई कट हो जाएगा, 6 × 3 = 18 और 0, तो मेजर ऑफ एंगल सी क्या आ गया आपका 30 डिग्री और पाई बाय 6 रेडियन, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। पिछले एग्जांपल की तरह ही था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। दिया है इन राइट एंगल ट्राइंगल द एक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5, ओके रेशियो देके रखा है, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। एक एंगल तो ऑलरेडी देके रखा है, ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम ड्रॉ करते हैं। चलो मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ए जो एंगल है वो तो ऑफ कोर्स 90 डिग्री का है, ए बी सी मान लेते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी क्या है हमारे पास, एक 90 डिग्री का एंगल है और दो एंगल के बीच का, दोनों जो बचते हैं एक्यूट एंगल, उनके बीच का रेशियो हमें देके रखा है, ठीक है। तो रेशियो से हम क्या निकालते हैं, एंगल लिखते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, जब भी रेशियो वाला प्रॉब्लम आता है तब हम लेते हैं एक कॉमन फैक्टर, ठीक है एक कॉमन फैक्टर लेंगे। यहाँ पे लिख दूंगा मैं एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, और रेशियो देके रखा है, रेशियो ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी देके रखा है उन्होंने, रेशियो देख लू मैं एक बार, रेशियो देके रखा है उन्होंने 4:5, ठीक है 4:5। अभी ये जो रेशियो वाले न्यूमेरिकल है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो एंगल ए अपॉन एंगल सी इज इक्वल टू देके रखा है 4/5। तो इनको सॉल्व करने के लिए, रेशियो वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट एक्स बी अ कॉमन फैक्टर, ठीक है। टेंथ में हमने पढ़ा है रेशियो वाले प्रॉब्लम हम कॉमन फैक्टर लेके सॉल्व करते हैं, तो देयरफॉर एंगल ए क्या हो जाएगा 4 × x और एंगल सी क्या हो जाएगा 5 × x। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं एंगल ए हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 5x, ठीक है। तो हमें इस ट्राइंगल के सारे एंगल्स निकालने हैं, एक मालूम है दो निकालने हैं, ठीक है। चलिए वही कॉन्सेप्ट फिर, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, उसमें से एंगल ए कहां पे है 4x प्लस एंगल बी है 90 प्लस सी है एंगल 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 को उधर भेज देंगे, 180 में से वो 90 माइनस हो जाएगा और कितना बचेगा, सिर्फ 90 बचेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दू, और ये दोनों की सम कितनी हो जाएगी 4x प्लस 5x 9x हो जाएगी, तो 9x और ये 90 उधर चला जाएगा 180 में से माइनस, तो 90। तो x कितना मिल गया, x हमें 10 मिल गया। जैसे ही x 10 मिल गया हमको एंगल ए और सी मिल जाएंगे, तो एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू 4 × 10 इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। एक्स की वैल्यू ने 10 डाल दी, एक्स की वैल्यू 10 डाल दी तो 40 डिग्री हो गया। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 40 × π/180, 0 0 कैंसिल, 4π/18 इज इक्वल टू 2π/9 डिग्री, तो एंगल ए हमारा निकल गया। उसी तरह से एंगल सी इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 × 10 इज इक्वल टू 50 डिग्री, रेडियन में करो 5/180
जीरो जीरो कट, इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते, 5π/18 रेडियन। तो ठीक है, और एंगल बी तो मालूम ही है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये कितना होता है 5/2 रेडियन। 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, तो 90 कितना होता है पाई बाय 2। तो तीनों एंगल सिर्फ लिख देते हैं हम, एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री और क्या लिखेंगे 2π/9 रेडियन, एंगल बी लिखेंगे 50 डिग्री और क्या है 5π/18 रेडियन, और सॉरी ये एंगल सी है और एंगल बी हो जाएगा 90 डिग्री और 5/2 रेडियन। ठीक है, सेम कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं बार बार। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, आपके स्क्रीन पे है, दिया है द सम ऑफ टू एंगल्स इज 5π रेडियन। ठीक है, लेट एंगल्स मान लेते हैं, लेट एंगल्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है, उन दोनों की सम देके रखा है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5π रेडियन बता के रखा है, और आगे है एंड देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री, और x माइनस वाई जो है वो 60 डिग्री देके रहता है, और हमें क्या करना है, हमें निकालना है फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री निकालना है सिर्फ। ठीक है, तो चलिए करते हैं, एकदम सिंपल है, डिग्री में मेजर निकालना है ना, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 5π जो रेडियन है ना उसको भी डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5π रेडियन इज इक्वल टू डिग्री में लिखता हूँ मैं 5π/180π/degree। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई पाई कैंसल, ये हो जाएगा 900 डिग्री, 18π/90 और ये 0 900 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन फर्स्ट में अच्छे से लिख देता हूँ, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 900 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, क्या करते हो, y सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा अगर दोनों इक्वेशन ऐड कर देंगे तो इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन सेकंड करेंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा, x प्लस x 2x हो जाएगा, माइनस y प्लस y कट हो जाएंगे, इज इक्वल टू अगर इसको ऐड कर देंगे तो 960 हो जाएगा, 960 हो गया, तो x क्या हो जाएगा 960/2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2 4 8 बचा 8, 2 8 हो जाएगा आपका 480 डिग्री। अगर x 480 डिग्री हो गया तो फ्रॉम फर्स्ट x मतलब 480 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 900, देयरफॉर सॉरी ये y है, तो y इज इक्वल टू 900 माइनस 480, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 420। कैसे, जीरो में से जीरो गया जीरो, दस में से आठ गया दो, या फिर बचेगा आठ, आठ में से चार गया चार, तो बस ये डिग्री में मिल गया हमको, एक्स मिल गया हमको 480 डिग्री और वाई मिल गया हमको 420 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, आपके स्क्रीन पे है, दिया है द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो, रेशियो देके रखा है। ठीक है, तीनों एंगल मान लेते हैं, चलो एंगल ए एंगल बी एंगल सी डी, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, रेशियो देके रखा है एंगल ए एस टू एंगल बी एस टू एंगल सी इज इक्वल टू 3:7:8, ये वाला रेशियो हमको देके रखा है, और पूछा है फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री एंड रेडियन, तीनों एंगल्स की मेजर निकालना है डिग्री और रेडियन में। इस तरह का एक न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं, रेशियो दिया है तो हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर मान लेंगे, लेट एक्स बी कॉमन फैक्टर, एक्स जैसे ही कॉमन फैक्टर हो जाएगा हम क्या लिख लेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू 3x, ठीक है डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 7x डिग्री, आप चाहो तो रेडियन में भी लिख सकते हो लेकिन हम डिग्री में लिखते हैं। ठीक है, एंगल सी इज इक्वल टू 8x डिग्री, और क्या, और मालूम है इन ट्राइंगल ए बी सी क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो वैल्यू डाल दो फिर, 3x प्लस 7x प्लस 8x इज इक्वल टू 180, 7 3 कितना होता है 10 और 8 18, 18x इज इक्वल टू 180, दिख रहा है x कितना आ जाएगा 10।
एक स्टेन आ गया तो हमको ए भी मिल जाएगा, बी भी मिल जाएगा, सी भी मिल जाएगा। तो चलिए एंगल ए इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियन में कर दो, 30 इंटू पाई बाय 180, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाय 6 रेडियन। 0 0 का 3 6 का 80। चलो एंगल बी है हमारे पास 7x, तो 7 इंटू 10 इज इक्वल टू 70 डिग्री इज इक्वल टू 70 इंटू पाई बाय 180। 0 0 कट हो जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा 7 पाई बाय 18 रेडियन। उसी तरह से है हमारे पास एंगल सी इज इक्वल टू 8x, तो 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 80 डिग्री इज इक्वल टू 80 इंटू पाई बाय 180। 0 0 कट, क्या करेंगे दो से दे देंगे डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 4 पाई बाय 9 रेडियन। तो इस तरह से हमने क्या किया है, तीनों भी एंगल्स ढूंढ लिए हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं, आज का लास्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी, एपी में है, ठीक है, तीनों एंगल्स किसमें है, एपी में है। एंड द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं एंगल ए इज द स्मॉलेस्ट और एंगल सी जो है इज द ग्रेटेस्ट एंगल, ठीक है, ये मान लिए। फाइंड द एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन, ओके, तीन एंगल्स है ट्राइंगल के और किसमें है, एपी में। तो हम लिखेंगे 3 एंगल्स इन एपी। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मालूम होना चाहिए, हमने टेंथ में पढ़ा है, एपी जो है हमने टेंथ में पढ़ा है। अगर पहला एंगल ए है तो दूसरा होगा ए प्लस डी और तीसरा होगा ए प्लस 2d, ठीक है, वेयर डी इज, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, तो उनकी मेजर ऐसी हो जाएगी, ठीक है। और उन्होंने रिलेशन बता दिया था है कि चलिए पहला एक इक्वेशन मिला लेते हैं, ठीक है, हमें मालूम है वी नो क्या एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए मतलब ये हो जाएगा देयरफॉर ए, और दूसरा ये हो जाएगा ए प्लस डी और तीसरा हो जाएगा ए प्लस 2d इज इक्वल टू 180। तो इसको लिखेंगे ए ए ए 3a प्लस डी प्लस 2d 3d इज इक्वल टू 180। 3 कॉमन निकाल लो, ए प्लस डी इज इक्वल टू 180। 3 को डिवाइड कर ले जाओ, क्या हो जाएगा ए प्लस डी इज इक्वल टू 60। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। लेकिन अकेले इस इक्वेशन के कोई भी मेजर नहीं निकलने वाला, ठीक है। तो हमको दूसरा दिया है उन्होंने, दूसरी एक कंडीशन दी है, कंडीशन में पढ़ता हूं क्या है, द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। अभी ये है ग्रेटेस्ट और ये है स्मॉलेस्ट, द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो नीचे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या है कंडीशन, ग्रेटेस्ट इज इक्वल टू 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, ये ए को उधर लेके जाएंगे, ए प्लस, रुको अभी ये इसको 5 लिख देता हूं, अब ए को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2d इज इक्वल टू कितना जाएगा 4a, ए उधर जाके माइनस हो जाएगा 4a हो जाएगा, और देयरफॉर डी क्या हो जाएगा 2 से 2 डिवाइड, डी इज इक्वल टू हो जाएगा 2a। कैसे, ये 2 इधर मल्टीप्लाई को है, उधर जाके डिवाइड को हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 2 आ जाएगा, तो ये हो गया 2a। तो d इज इक्वल टू 2a जो है ना, पुट d इज इक्वल टू 2a इन फर्स्ट में पुट कर देता हूं, इसमें पुट कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा देयरफॉर a और d की जगह पे 2a इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। तो ये करो, ये 3a इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, तो a हो गया 20, ये आ गया 20। अगर a 20 आ गया मतलब पहला एंगल आ गया, ठीक है, पहला एंगल आ गया, तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट ही फिर से क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा a प्लस d 60 है, तो देयरफॉर a मतलब 20 प्लस d इज इक्वल टू 60, तो देयरफॉर d क्या हो गया 40 हो गया, ठीक है। तो a और d हमको मिल गए, तो तीनों मेजर हमको मिल गए, ठीक है। तो पहला एंगल a है, ठीक है, ऐसा लिखेंगे एंगल a इज इक्वल टू a कितना आ गया 20 डिग्री इज इक्वल टू 20 इंटू पाई बाय 180 अगर करेंगे तो कितना मिलेगा 0 0 2 पाई बाय 18 मतलब पाई बाय 9 रेडियन। उसी तरह से
एंगल बी अगर करेंगे तो आता है ए प्लस बी, एंगल बी है ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना आएगा 20 प्लस 40, तो 20 प्लस 40 इज इक्वल टू 60 डिग्री, और 60 डिग्री को रेडियन में करो तो 60 इंटू पाई बाय 180 ये आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है, अभी हम करते हैं थर्ड वाला, क्या आएगा ए प्लस 2d इज इक्वल टू 20 प्लस 2 इंटू 40 हो जाएगा ये। ठीक है, d क्या है आपका 40 है, तो 40 इंटू 2 कितना आएगा 40 इंटू 2 80 प्लस 20 100 डिग्री, इसी को कर देंगे 100 इंटू पाई बाय 180 जीरो जीरो कट, ये 2 से डिवाइड कर दो आ जाएगा 5 पाई बाय 9 रेडियन। ठीक है, चेक कर लेते हैं ये 20 और 60 80 और 180 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो आपके तीन एंगल कौन से हो गए, एक 20 डिग्री हो गया, एक 60 डिग्री हो गया और एक हो गया आपका 100 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमने एंगल्स डिग्री और रेडियन दोनों में निकाल लिए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज हमने कुछ सवाल लिए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले क्वेश्चंस देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।